शरीर के कई अंग भाग्य और भविष्य के संकेत देते हैं। हस्तरेखा से ही भाग्य नहीं जाना जाता, बल्कि सामुद्रिक शास्त्र में शरीर के अलग अलग अंगों और बनावट के आधार पर जातक के व्यवहार और भाग्य के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में पैर की उंगलियों से जानेंगे कि भाग्य के बारे में ये क्या बताती हैं, इसका भाग्य से क्या संबंध है, व्यक्तित्व से क्या संबंध है, भविष्य से क्या संबंध है। पैर की उंगलियां बहुत कुछ बताती हैं। आज इस वीडियो में आप इसके बारे में ही जानेंगे। पैर की उंगलियां भाग्य ही नहीं बताती, बल्कि व्यक्ति के व्यक्तित्व को बताने में भी ये पूरी तरह से सक्षम होती हैं। हर किसी के पैर की उंगलियों का समान होना संभव नहीं है। हर किसी व्यक्ति के पैर की उंगलियां अलग अलग तरीके से होती हैं। किसी की छोटी उंगली बड़ी होती है तो किसी की बड़ी उंगली छोटी होती है। कुछ उंगलियां एकदम समान होती हैं। ये सारी बनावटें आपके भविष्य और भाग्य को बताती हैं। आज हम पैरों की उंगलियों की बात कर रहे हैं, तो चलिए जानते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि पैर के अंगूठे के पास वाली उंगली अगर बड़ी है तो वो क्या बताती है। आगे आने वाली वीडियोस में मैं बहुत सी और ऐसी बातें आपसे करूंगी जो पैरों से संबंधित होंगी, सामुद्रिक शास्त्र से संबंधित होंगी, पर आज की इस वीडियो में हम पैर के अंगूठे के पास वाली उंगली की बात करने वाले हैं। जिनके पैर में अंगूठे की बगल वाली उंगली बराबर होती है वो व्यक्ति बहुत रौबीला होता है। इन्हें दूसरों पर प्रभाव दिखाने की आदत होती है। ऐसा व्यक्ति लीडरशिप क्वालिटीज लिए हुए होता है। ऐसे व्यक्ति को दूसरों के ऊपर प्रभाव दिखाना, लीडर बनना बहुत पसंद होता है। ये अपनी बात मनवाने के गुण बेहतरीन तरीके से जानते हैं। इनके अंदर जिद होती है, काम करने की जिद, जीतने की जिद। जिद को पूरा करने के लिए ये खुद को हानि भी पहुंचा लेते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जिद एक सीमा तक ही ठीक होती है। अगर ये ज़्यादा हो जाए तो नुकसान भी दे सकती है। जिनके अंगूठे और उंगलियों के बीच में गैप ज़्यादा होता है वो लोग अपने परिवार से अलग थलग रहते हैं। बड़े परिवार के बाद भी इनका लगाव परिवार से नहीं हो पाता। इनके साथ लोग जुड़ते हैं लेकिन जल्दी ही इनका साथ छोड़ देते हैं और ये एकांत में रहने लगते हैं। तो इसलिए अंगूठे और उंगली के बीच में ज़्यादा गैप नहीं होना चाहिए। पैर में वैसे तो सामान्यतः अंगूठा बड़ा होता है पर बाकी की उंगलियां छोटी होती हैं, लेकिन कई व्यक्तियों के पैर में उनकी दूसरी उंगली अंगूठे से बड़ी नज़र आती है। ऐसे लोग बहुत ऊर्जावान होते हैं। ये लोग अगर किसी काम को हाथ में ले लें तो उसको पूरा करके ही मानते हैं। अगर पैर का अंगूठा और उसके बराबर वाली उंगली एक ही साइज़ के हों तो ऐसे लोग काफ़ी मेहनती किस्म के होंगे। अपनी मेहनत से बहुत कुछ करते हैं और अलग पहचान बनाते हैं। अंगूठे के पास वाली उंगली अगर बड़ी है तो ऐसे व्यक्तियों को स्त्री का सुख भी मिलता है। ऐसे लोगों की पत्नी बचत करने वाली और पैसा कमाने वाली भी होती है। ऐसे लोगों की बीवियाँ बहुत समझदारी से पैसों को खर्च करती हैं। इसके अलावा इन लोगों की पत्नियां काफ़ी कामगर होती हैं और पैसा कमाती हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से बिजनेस कर पाती हैं और इनको स्त्री का सुख बहुत अच्छे तरीके से मिलता है। छोटी उंगली के पास वाली उंगली अगर पैर के बीच की उंगली से ज़्यादा छोटी है तो ऐसे लोगों को स्त्री सुख कम मिलता है। यदि आपके पैर का अंगूठा बाकी उंगलियों से बड़ा है तो ये आपके अंदर बहुत ही अच्छी एक क्वालिटी को बताता है। ऐसे व्यक्ति बहुत रचनात्मक होते हैं, बहुत ही क्रिएटिव होते हैं। इससे ये भी पता चलता है कि आप काफ़ी उत्कृष्ट विचारधारा के हैं और आपको सदैव आगे रहना पसंद है। वहीं अगर पैर का अंगूठा बगल वाली उंगली से छोटा है तो इसका मतलब है कि आप एक साथ कई काम कर सकते हैं। ये बच्चों की तरह नादान भी होते हैं और इसके साथ साथ ये बड़ों की तरह मैच्योर भी होते हैं। अकेले रहना इन्हें बहुत अच्छा लगता है और इन्हें किसी के साथ रहने में भी मज़ा आता है। तो पैर की उंगली का बड़ा होना, यानी कि अंगूठे के साथ वाली उंगली का बड़ा होना बहुत ही अच्छा है, परंतु इसके साथ साथ अगर आपका अंगूठा बड़ा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी तरह से अनलकी हैं, बल्कि आप बहुत क्रिएटिव पर्सन हैं। आपकी रचनात्मक क्षमताएं बहुत अच्छी हैं, जिसकी वजह से आपको रचनात्मक कार्य करने चाहिए। इससे आपको और ज़्यादा सफलता मिलेगी, सक्सेस मिलेगी और आप आगे बढ़ने के लिए अपने आप को प्रेरित कर पाएंगे। अगर आपकी उंगली ज़्यादा बड़ी है तो आपको प्रैक्टिकल काम ज़्यादा करने चाहिए। आपको ऐसे कार्य करने चाहिए जिसमें आपको डिसीजन लेना हो, जिसमें आपको आगे बढ़ने के लिए किसी को प्रेरित करना हो, किसी को बताना हो, लॉजिकल तरीके से आपको किसी रीजनिंग को देना हो। तो ये लॉजिकल तरीके आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सक्सेस की तरफ आपको लेकर जा सकते हैं।
तो जो लोग ऐसे होते हैं उनको लॉजिकल काम करने चाहिए, प्रैक्टिकल काम करने चाहिए, और जिनका अंगूठा बड़ा होता है उनको रचनात्मक कार्य करने चाहिए। ऐसा करने से आपको सफलता जल्दी मिलेगी और आप अपनी इस भविष्य के संकेत से आप अपने भाग्य को चमका सकते हैं। तो इस प्रकार से आप भी अपने लिए अपने भाग्य को निश्चित कर सकते हैं, और अगर आपके भाग्य में कुछ ऐसा है जो आपके लिए अच्छा नहीं है तो आप उसे बदल भी सकते हैं। तो इस प्रकार से सामुद्रिक शास्त्र की इस विधा को सीखकर आप भी अपने लिए अपने भाग्य को निश्चित कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपके लिए आगे भी आने वाली वीडियोस में मैं बहुत सी सामुद्रिक शास्त्र की और जानकारी आपको देती रहूँगी। आपका इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।